अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? आई होप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और फाइनली अब ये व्लॉग मैं अपलोड करी अपने भाई की शादी का दिन। बेसिकली निकाह था, और वैसे निकाह ही सब कुछ होता है, तो ये आज का जो दिन था ना, आज मिलाद थी और आज हमें बहुत सारे काम करने थे, तो मैं सब आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और फिर नेक्स्ट डे निकाह है, तो एंड तो बिल्कुल भी आप लोगों ने मिस नहीं करना है, एंड तक देखनी है ये वीडियो, और एंड में ही धमाल है सारा। तो पहले मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि यहाँ पर मैं बैठी हुई थी। सुबह सब ब्रेकफास्ट करने चले गए थे और मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था, क्योंकि अमीलिया सो रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं घर पर ही रहती हूँ। सब चले गए थे मेरे लिए, ले आए थे ब्रेकफास्ट। ये लोग गए थे यम बाय आमना, और ये कराची में ही है, तो यहाँ का क्लब सैंडविच बहुत मज़े का होता है, इन लोगों ने कहा। तो फिर मैंने अभी ट्राई किया एंड बहुत मज़े का था। तो ये मेरा हो गया था ब्रेकफास्ट। और उसके बाद जो है ना, लास्ट व्लॉग में मैंने आप लोग के साथ शेयर किया था कि मैं कुछ ग्रॉसरीज करने गई थी ले जाने के लिए, तो एक दो चीज़ें रह गई थी यहाँ पर, मैंने वो भी मंगवा ली थी। और यहाँ तैयारी हो रही है, आज जो है ना मिलाद है घर पे, तो उसकी तैयारी हो रही है। अच्छा, ये ना अब शाम का टाइम है, शाम से थोड़े पहले का, मतलब लेट दोपहर का टाइम है ऐसी कुछ ना। तो यहाँ पर ना सब बाहर गए हुए थे शॉपिंग करने के लिए, और ये सारी हेल्पर्स थी, और मेरी मामा थी और मैं थी, मतलब बच्चे भी गए हुए थे ना, इन लोगों को सिंबाद वगैरह जाना था, तो वो खालाओं के साथ चले गए थे, और खालाओं को अपनी शॉपिंग करनी थी, तो लोग सब निकले हुए थे। तो यहाँ पर इतना मज़ा आ रहा था ना, मैं बस देख रही थी कि यू नो तैयारियाँ चल रही हैं, क्योंकि नॉर्मली हम लोग ये सब कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन जो है ना बस ये मेरी मम्मा है। और जब भी मैं पाकिस्तान आती हूँ ना, मुझे होता है मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अम्मी के साथ स्पेंड करूँ, क्योंकि ये बहुत प्रेशियस टाइम होता है। अच्छा, यहाँ पर ना ये स्ट्रॉबेरीज आई थी, और ये डिज़र्ट बना रही थी अम्मी, उसके लिए आई थी। ये जो है ना बिल्कुल हाल से बेहाल हुई हुई थी, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या चीज़ है, मतलब आधी जो है ना वो स्वीट थी, आधी वो रॉ थी, पता नहीं क्या किस तरह की थी। लेकिन खैर, यहाँ पर जो है ना बस तैयारियाँ चल रही थी, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। ये शाम का टाइम हो गया था, अम्मी थोड़ा सा गुस्सा हो रही थी अभी, क्योंकि जो है ना इन लोगों ने बहुत लेट कर दिया था। आज घर में मिलाद थी, आई थिंक थोड़ा लेट स्टार्ट होनी थी, लेकिन फिर भी बहनों ने इन सब ने बहुत लेट कर दिया था। अम्मी को जो है ना गुस्सा आ रहा था, और मैं अम्मी को काम डाउन करी थी, अम्मी नहीं बहुत रश होगा, इतने काम होते हैं उनको, ये वो, मतलब काफ़ी काम था एक्चुअली, क्योंकि जल्दी जल्दी में सब कुछ हो रहा था ना। तो बस यहाँ पर बहुत मज़ा आया, मैंने बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड किया अम्मी के साथ। और ये जो तैयारियाँ मैं देख रही थी ना, ये मेरे लिए बहुत प्रेशियस है। मतलब मैं फिर वही बात करूंगी, जो लोग पाकिस्तान में नहीं रहते, पाकिस्तान से दूर रहते हैं, वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझते होंगे कि इस तरह के जो मोमेंट्स होते हैं ना, कितने प्रेशियस होते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है ना टेस्ट टेस्टिंग भी साथ साथ चल रही थी, और ये करने में भी बहुत मज़ा आता है। उसके बाद ये लोग सब आ गए थे, और साथ ही साथ भाई भी आ गया था, और उसके साथ साथ भाई का निकाह का ड्रेस भी आ गया था। और ये है मेरा भाई, ये मेरा सबसे छोटा भाई है और सबसे प्यारा भाई है। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पर बहुत अच्छी से मिलाद हो गई थी, हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया। अच्छा, एक बात तो मैंने बताई नहीं, अभी क्या होना है, मिलाद के बाद ये खाना हो रहा है यहाँ पर, खाना भी बहुत मज़ेदार बना था माशाल्लाह से सब कुछ। स्पेशली जो चना चाट बनाई थी ना अम्मी इन लोगों ने, बहुत मज़े की बनी थी, और अम्मी के हाथ का जो डिज़र्ट था ना, वो तो बहुत ही लजीज था। तो उसके बाद यहाँ पर खाने के बाद मेहंदी लगनी थी, मतलब ज़ैरा के पार्लर से बहुत सारी लड़कियाँ आ गई थी मेहंदी लगाने के लिए, और मैं जो ना बस अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ हुआ कि मैंने मेहंदी नहीं लगवाई। मैं वेट करती रही कि जो ना अमीलिया सो जाएगी, इवन तो अमीलिया जो है ना इतनी छोटी नहीं है, माशाल्लाह से बड़ी हो गई है, लेकिन फिर भी मुझे होता है ना कि मैं उसको सुलाती हूँ तो वो तभी सोती है, तो मैं उसको सुलाते सुलाते ऐसा ना हो कि मेरी हाथ की मेहंदी ख़राब हो जाए। इसी चक्कर में मैंने मेहंदी ही नहीं लगवाई, मतलब इतना रात हो गई थी कि जब मैंने अमीलिया को सुलाया है और मेरी आँख खुली है ना, तो सब जा चुके थे, सबकी मेहंदी लग चुकी थी और मेरी मेहंदी ही नहीं लगी। लेकिन खैर कोई बात नहीं, माशाल्लाह से सबकी बहुत अच्छी मेहंदी लग रही थी, मतलब सबने अच्छे अच्छे से लगवाई। और सबसे बड़ी बात ये थी कि जो मेरी भाभी है ना मरियम, तो उनकी भी यहाँ मेहंदी लग रही थी, और ये जो है ये है मेरी भाभी, और इतने प्यारी मेहंदी लगी थी माशाल्लाह से, बहुत बहुत अच्छी मेहंदी लगी थी। तो यहाँ पर बस अब मैं ये दिन ख़त्म करती हूँ, अब ये है नेक्स्ट डे। और यहाँ पर जो मेरी सबसे प्यारी बहन है ना बुशरा, वो बना रही थी पराठे, और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही थी जब उसको पता चला कि मैं यहाँ पर व्लॉगिंग कर रही हूँ, तो बहुत मज़े के पराठे बनाती है मेरी बहन। उसके बाद यहाँ पर मैं बैठ के ना, ये मेरी बहन की बेटी है, बातें कर रही थी, और अम्मी आप लोग देखिए कितनी प्यारी मेहंदी लगी है ना सबके।
मुझे तो ये सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। और ये मेरी मामा के हाथ माशाल्लाह से कितनी प्यारी मेहंदी लगी है और कितना अच्छा कलर आया है। और ये है मेरे हाथ, मेरी मेहंदी नहीं लगी, लेकिन खैर कोई बात नहीं। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर बैठे हुए थे। अच्छा, मैं जा रही थी बाहर, मैं मास्क इसलिए पहनी हुई क्योंकि मैं बाहर जा रही थी। मुझे ना आजकल थोड़ी खांसी हो रही है, तो मुझे लग रहा है मुझे थोड़ी सी पाकिस्तान से ना डस्ट एलर्जी हो गई है, इसलिए मैं कोशिश करती थी जब भी बाहर जाऊँ तो मास्क पहनूँ। तो यहाँ पर निकाह के जो छुआरे होते हैं ना, वो रेडी हो रहे थे, और मैंने आप लोग को बताया था और दिखाया भी था कि माशाल्लाह से कितना हाउसफुल हुआ हुआ है। तो सारे बच्चे सबको आके ना यहाँ पर अपना कंट्रीब्यूशन तो ज़रूर ही देना था। तो इसलिए मतलब अम्मी जो है ना बिल्कुल चिल थी कि माशाल्लाह से इतने सारे बच्चे हैं, आराम से एक काम हो जाएगा। तो यहाँ निकाह के छुआरे सारे रेडी हो गए थे और हम लोग आ गए थे नीचे। ये वो जगह है जहाँ पर रात में फंक्शन है। अच्छा, हुआ क्या था कि जहाँ पर मैं रह रही हूँ ना, उसी के नीचे हम लोगों ने ये फंक्शन पूरा अरेंज करवाया था। वो इस तरह से कि जो है ना वो लेवल्स होते हैं, तो यहाँ पर वेडिंग्स वगैरह होती हैं, तो बस अपनी सेटिंग वगैरह करवानी होती है। तो भाई ने यहाँ पर पूरा सेट करवाया था माशाल्लाह से। आगे ब्लॉग में आप लोग देखा गया कितने अच्छे से सेट हुआ है। और मैं फिर वही कहूँगी, प्लीज़ एंड बिल्कुल मिस नहीं करेगा, एंड तक देखेगा ये व्लॉग। तो यहाँ पर मैं आ गई थी डॉल्फिन मॉल क्योंकि मुझे जाना था, एक दो काम करने थे, उसके बाद जो है ना मुझे जाना था पार्लर। आज जो है मैं करवा रही थी मेकअप। मैंने लास्ट टाइम मेकअप कब करवाया था, जब मेरी शादी थी अपनी तब करवाया था, क्योंकि मैं मेकअप बिल्कुल भी नहीं करती, आप लोग को पता है। क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा सा भी लिपस्टिक लगा लूँ ना तो वो इतना हैवी हैवी लुक आता है। कुछ लोग होते हैं जिनको मेकअप अच्छा भी लगता है ना तो वो नहीं कर सकते। मुझे मेकअप बहुत अच्छा लगता है लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मैं मेकअप करूँगी तो मैं बहुत ज़्यादा बड़ी लगने लगूंगी। लेकिन आज मैंने मेकअप करवाया था और आज भी मुझे ऐसा ही लगा कि जब मैंने मेरा पूरा मेकअप डन हो गया था ना, तो मैं कही थी ओ माय गॉड मैंने क्यों करवाया। लेकिन खैर कोई बात नहीं, माशाल्लाह से औरों को बहुत अच्छा लगा। और मेरे भाई की शादी थी तो मैंने सोचा चलो कुछ तो डिफरेंट होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग आ गए थे घर और मेकअप वगैरह सब करवा के अभी मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि मैं कैसी लग रही हूँ। तो जब हम लोग घर आए ना तो यहाँ फ़ोटो सेशन हो रहा था। माशाल्लाह से ये मेरी भाभी हैं और ये मेरा भाई है। माशाल्लाह माशाल्लाह से दोनों बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। और आप लोग भी इनको अपनी दुआ में याद रखेगा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इनकी ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजरे और दोनों बहुत खुश रहें एक दूसरे के साथ। तो यहाँ पर अब जो है ना मैं तो बिल्कुल रेडी थी और मैं यहाँ पर ज़ैरा के रूम में आ गई थी क्योंकि मैं देखना चाहती थी हो क्या रहा है। क्योंकि ज़ैरा मुझे बार बार बुलाई थी, मेरे रूम में आ जाओ, मेरे रूम में आ जाओ, कुछ यू नो मेरे साथ कोई तो हो, क्योंकि हम सब अपना अपना रेडी हो रहे थे। तो ये मेकअप का हाल है। अच्छा, ये ज़ैरा वही है जिसका पार्लर है, जो मेकअप आर्टिस्ट है, तो ये उसके बेड का इस वक्त हाल हो रहा था। और यहाँ पर आप लोग देखें मैंने कैसे मेकअप करवाया है। आई नो काफ़ी हार्श सर मुझे लग रहा था इनिशियली, लेकिन फिर सब कह रहे थे भाई की शादी है तो इतना तो बनता ही है। तो माशाल्लाह से ये हूँ मैं विद लोड्स एंड लोड्स ऑफ मेकअप। और मेरा ड्रेस ये है। अच्छा, ड्रेस मैं अभी आप लोग को दिखाती हूँ। ये मेरे ड्रेस का दुपट्टा है। मुझे वैसे जो है ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है बहुत हैवी हैवी ड्रेसेस, लेकिन ये इतना हैवी भी नहीं था और ये हैवी भी था एट द सेम टाइम। अच्छा, राइट इन दी एंड ना हमने डिसाइड किया कि हम पार्लर से एक दो जो है ना हेयर स्टाइलिस्ट को बुला लेते हैं, क्योंकि ताकि वो मेरे हेयर कर दे। मुझे समझ नहीं आ रहे थे अपने खुले बाल ना, तो मैंने इस तरह से बांध लिए थे ऊपर की तरफ, तो वो ज़्यादा अच्छा सा लुक आ रहा था। वरना बाल तो हम हमेशा ही खुले रखते हैं ना हर फंक्शन में, थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए। तो यहाँ पर हम आ गए थे वेन्यू पर जहाँ पर शादी है, और माशाल्लाह से सब कुछ बहुत ड्रीमी लग रहा था, सब कुछ बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। एंड मैंने जो है ना आप लोग को दिखाया नहीं, आई एम सो सॉरी। ये मैंने स्वास्की की ब्रेसलेट ली थी अपनी भाभी के लिए और मैं ये वहीं से लेकर आई थी, एंड में मैंने बिल्कुल ऑर्डर की थी ऑनलाइन। तो यहाँ पर जो है अब आप लोग आगे पूरी शादी देखें, पूरी शादी धमाल देखें, निकाह देखें कि कैसा हुआ था और हम लोगों ने कितना इंजॉय किया है। और मैं चलती हूँ, इंशाल्लाह मिलूंगी मैं नेक्स्ट व्लॉग में, आप लोग करें ये निकाह इंजॉय। इधर तलब है, आप जब चाहें उनसे तलब कर सकती हैं। क्या आपकी जानिब से इजाज़त है कि वकील शरी बनकर सिवाय निकाह को जारी कर दूँ? या वलदी
वयाफुरदाईनी वसमरत फुआदी फकालनी या उम्माहु इन्नी अशम लेकिन बोला तो साजिश में से नहीं तुम्हारी